सो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया है कि किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप सबको पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसको आप प्ले स्टोर से आप लोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओपन करने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगा। तो हम वहाँ पे क्लिक करके कोई भी मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो डोंट वरी, अगर यहाँ पे नहीं देख रहा है तो आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, कुछ इस तरह से पेज आएगा। ऊपर आपको स्किप का बटन मिलेगा, स्किप कर सकते हैं, फिर नंबर डाल के अगेन आपको ऊपर स्किप का बटन मिल जाएगा, ठीक है, स्किप कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी के सामने आपको कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। तो आप स्कैन करके किसी का पे कर सकते हैं, किसी भी स्क्रैच का कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI ID के थ्रू कर सकते हैं, और नीचे आप सभी को आप बैलेंस देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, पेटीएम बैंक को मैनेज कर सकते हैं एंड पेटीएम वॉलेट को भी आप मैनेज कर सकते हैं। नीचे आप सभी यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज से लेके और DTH रिचार्ज, आप सभी को काफ़ी सारा क्रेडिट कार्ड बिल का रिचार्ज, काफ़ी सारा जो है काम इस पेटीएम एप्लीकेशन की ओर से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपीज़ का आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है इस वॉलेट को यूज करने में, बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट बन जाएगा और काफ़ी सारा ऑफर्स भी चलता रहता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक जो आइकन दिख रहा है वहाँ पर, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार सा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लॉगिन टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिला है, तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ बता रहा है आप लॉगिन कीजिए। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है, डोंट हैव एन अकाउंट्स, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो भी मोबाइल नंबर होगा आ जाएगा, या फिर आप रेगुलरिटी वहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया जाए तो आपके मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक रूप से फेज कर लेगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन ये ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। और चले जाने के बाद आप सभी के सामने आपको कुछ नाम वगैरह डालना है तो नाम वगैरह डाल लीजिएगा, रियल नाम आप डालिएगा, ठीक है, नाम डाल लीजिएगा अपना। आपका अगर फादर का नाम होता है फादर का नाम डाल दीजिएगा, और रियल डालना है रियल नाम डालिएगा, तभी दोस्तों आप सभी का अकाउंट्स खोलेगा। अगर आप फेक नाम डाल देते तो आप अपना पेटीएम अकाउंट्स को कभी भी आप मैनेज नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा और आप सभी का अकाउंट्स अभी एक्टिव नहीं। आप चाहो तो वहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन कर जाएगा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप लेटर कर सकते हैं KYC का जो एक्टिव होता है, ठीक है, उसको तो आप इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका ऑप्शन शो कर जाता है और उसके बाद आप सभी को देख सकते हैं ऊपर आपका नया अकाउंट्स में एक ऑफर भी आपको दिया जाएगा पेटीएम की ओर से। जो आप भाई किसी को एक रुपीज आप सेंड करते हो तो आपको 10 रुपीज मिल जाएगा। तो आप सभी का आपका अकाउंट अगर वहां पे स्किप करते हो तो आपका अकाउंट अभी यहां पे बना नहीं है। यहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूं आपका अकाउंट कब बन जाएगा, जब यहां पे आप बैलेंस और हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आएगा और यहां पे आपको पेटीएम बैलेंस का ऑप्शन शो कर जाएगा। देख सकते हैं यहां पे पेटीएम बैलेंस का ऑप्शन शो कर रहा है और यहां पे 0 रुपीज बता रहा है। तो यहां पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे एक एक्टिव नाउ का ऑप्शन शो कर जाएगा। अगर वहां पे आप आधार कार्ड या कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है वहां दे देते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आप वहां पे स्किप कर देते हैं तो आप सभी का अकाउंट्स यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आएगा। और यहाँ पे देखो फिलहाल कुछ एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने रजिस्टर नंबर के थ्रू ही नई अकाउंट्स बनाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर किया इसलिए है। तो आप सभी के पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और डॉक्यूमेंट्स को डाल देना है, आधार कार्ड डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, कुछ भी डालना है, पैन कार्ड, और आपका अकाउंट्स यहाँ पर मिनी KYC जो बोलते हैं मिनी KYC आपका हो जाएगा। आप पेटीएम से लेन देन कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑफ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेटीएम प्रोफाइल के ऑप्शंस में आना है और यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी रीजन फिर से ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और यहाँ पे आपको समझने की बस जरूरत है, आप सभी को कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक्टिव करना है वही एक्टिव का बटन जो आप पेटीएम बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाकर कर सकते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट्स डालना है, आपका मिनी KYC हो जाएगा और आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके लेन देन कर सकते हैं, आपका पेटीएम वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट में आप कहीं से किसी एप्लीकेशन से अर्निंग करते तो वहां से पैसा मंगा सकते हैं, कोई भी आपको पैसा भेज सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है फुल KYC करने के लिए आपको जो है किसी आपको नियरेस्ट ब्रांच जाना है, नियरेस्ट आपको जो भी आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर वीडियो KYC कर लेना है तो आप यहां पे पेटीएम बैंक को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। पेटीएम बैंक का जो आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपके पेटीएम का नंबर ही होता है, तो इससे आपका एक बैंक अकाउंट भी खुल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेटीएम को यूज कर सकते हैं और आप सभी को यहां पर काफी सारा ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई हेल्प एंड जरूरत चाहता है तो आप यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी अपना जो है ले सकते हैं, ठीक है, जरूरत हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ पेटीएम को मैनेज करना पड़ता है।